तमाम दर्शक मित्रों का हमारे YouTube मंच पर स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जारी किया अपना घोषणा पत्र, जाने क्या है 5 न्याय 25 गारंटी। कांग्रेस आगामी शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया गया। कांग्रेस के अनुसार घोषणा पत्र में पार्टी के 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय को शामिल किया गया है। पार्टी ने युवा न्याय के तहत जिन 5 गारंटी की बात की है, उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को 1 साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत 1 लाख रुपये देने का वादा शामिल है। पार्टी ने हिस्सेदारी न्याय के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है। उसने किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी, आयोग के गठन तथा GST मुक्त खेती का वादा किया है। कांग्रेस ने श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है। उसने नारी न्याय के अंतर्गत महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 1-1 लाख रुपये प्रतिवर्ष देने समेत कई वादे किए हैं। इसके अगले दिन जयपुर एवं हैदराबाद में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। जयपुर में आयोजित घोषणा पत्र संबंधी रैली को कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा संबोधित करेंगे। हैदराबाद में घोषणा पत्र संबंधी जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। शुक्रवार को पार्टी द्वारा जारी किए जाने वाले घोषणा पत्र में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 को खत्म करने का भी वादा किया जाएगा। इसका दायरा कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार की तरफ से बढ़ाया गया था, बाद में 2015 और 2019 में संशोधन के माध्यम से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा मजबूत किया गया था। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें हर पार्टी दोषी है, इसे अलग करके ना देखें। हो सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली एक्साइड पॉलिसी घोटाले में शामिल रहे हों, और हो सकता है न रहे हों और उन्हें फंसाया गया हो। हो सकता है कि सरकार सच कह रही हो कि AAP ने घोटाले से बड़े पैमाने पर लाभ कमाया और फिर उस पैसे को गोवा चुनाव के लिए अपने कैंपेन पर पैसा खर्च किया। या हो सकता है कि आप सही कह रही हो कि केंद्र सरकार विपक्षी दल को कमजोर करने के लिए एक्साइज पॉलिसी मामले का उपयोग कर रही है, जबकि वास्तव में ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ था। मुझे सचमुच नहीं पता, क्या आपको पता है और क्या हम में से कोई बता सकता है कि सच्चाई क्या है जब तक कि अदालत सबूतों के आधार पर कोई फैसला नहीं देती। हालांकि अदालत अंततः जो भी निर्णय लेती है उसके बावजूद कुछ बातें कही जानी जरूरी हैं। सबसे पहले भारतीय लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत जो हम सभी को स्कूल में सिखाए गए थे अब उनका पालन नहीं करते हैं। यह कहावत जो अधिकांश उदार लोकतंत्रों में आम है कि एक नागरिक दोषी साबित होने तक निर्दोष है, अब केवल पुराने जमाने की लगती है और किसी भी तरह से हमारे कानूनी सिस्टम के लिए आवश्यक नहीं है। लेकिन जैसा कि जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था कि नियमतः जमानत दिया जाता है, जेल अपवाद है, वह अब थोड़ी पुरानी बात लगती है। स्पष्ट रूप से दृढ़ता से स्थापित ये सिद्धांत अब क्यों लागू नहीं होते? खैर, क्योंकि भारतीय सरकारों ने लगातार कानून पारित किए हैं या उनमें संशोधन किया है ताकि इन सिद्धांतों को सुरक्षित रूप से नज़रअंदाज किया जा सके। अक्सर कानूनों या संशोधनों को पारित करने के लिए अति सक्रियता एक वास्तविक चिंता थी। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, जिसे UAPA के रूप में जाना जाता है, 1957 में पारित प्रारंभिक संस्करण को अपडेट करता है, लेकिन आतंकवाद से चुनौतियां बढ़ने के साथ ही
इसे नियमित रूप से बार बार संशोधित किया गया है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार ने 2008 और 2012 में इस अधिनियम को मजबूत किया और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार ने 2019 में एक बार फिर इसमें संशोधन किया ताकि पुलिस कर्मियों को किसी भी न्यायिक प्रक्रिया की परवाह किए बिना व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने की व्यापक शक्तियां मिल सकें। इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम पीएमएलए को 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था, लेकिन 2005, 2009 और 2014 में यूपीए सरकार द्वारा इसमें काफी संशोधन किया गया था, जबकि कानून को लाने के पीछे का मूल कारण मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक वैश्विक कैंपेन था। नशीली दवाओं के कारोबार और माफिया गतिविधियों जैसे अपराधों की आय के मामले में कानून की व्याख्या इसके भारतीय स्वरूप में लगभग हर चीज को कवर करने के लिए की गई है। यदि अभियोजन पक्ष दृढ़ता से इसका विरोध करता है तो यह अधिनियम अदालत के लिए जमानत देना कठिन, यदि लगभग असंभव नहीं, बना देता है। यह सबूत का बोझ आरोपी पर डाल देता है और जांच अधिकारियों को दिए गए बयानों को अदालत में स्वीकार्य मानता है। आमतौर पर पुलिस को दिए गए बयान अस्वीकार्य होते हैं जब तक कोई न्यायाधीश यह नहीं मानता कि सबूत पूरी तरह से अपर्याप्त है, जिस पर जमानत के चरण में निर्णय लेना कठिन है और अधिकांश न्यायाधीश मामले में इतनी जल्दी निष्कर्ष निकालने के लिए अनिच्छुक हैं, तब तक नियमित रूप से जमानत देने से इनकार कर दिया जाता है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सरकार यूएपीए और पीएमएलए दोनों का दुरुपयोग कर रही है, जो सच हो भी सकता है, लेकिन यह कांग्रेस ही थी जिसने सत्ता में रहते हुए इन कानूनों में कुछ सबसे कड़े खंड पारित किए। इसलिए जब इन अधिनियमों का उपयोग राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया जाता है तो हमें यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जादुई तरीके से इसमें लॉकेट डाल दिया है। अधिकांश पहले से ही इसमें शामिल थे, फिर भी मुझे नहीं लगता कि चुनाव नजदीक आते ही भाजपा केजरीवाल और अन्य लोगों के साथ जो कर रही है उसकी कोई मिसाल है। बहस के लिए मान लीजिए कि केजरीवाल वास्तव में शराब घोटाले में शामिल हैं, उनके भागने का खतरा नहीं है। यदि वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करना चाहते तो उनके पास ऐसा करने के लिए काफी समय था। शराब घोटाले में गिरफ्तारियां महीनों महीनों से चल रही हैं। केजरीवाल को चुनाव के बाद भी आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता था, अभी उन्हें जेल क्यों भेजना? इससे आपके इस आरोप को बल मिलता है कि भाजपा अपने चुनावी विरोधियों के खिलाफ केंद्र सरकार की एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। ये कोई अलग दृष्टिकोण नहीं है। जब इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन पोल 2021 में लोगों से पूछा गया कि क्या भाजपा सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो उनमें से 32% ने हाँ कहा। हाल ही में देश का मिजाज सर्वेक्षण में यह आंकड़ा बढ़कर 46% हो गया था। 47% ने नहीं कहा और 17% की कोई राय नहीं थी। हालांकि यहां मूल बात यह है कि इससे मतदाताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी मूड ऑफ डी नेशन पोल में मोदी और भाजपा के लिए भारी बहुमत की भविष्यवाणी की गई। इसलिए एक सरकार जो ऐसे कानूनों का उपयोग करना चाहती है जो उसे लोगों को दोषी ठहराने के लिए पहले पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने की परेशानी के बिना उन्हें कैद करने की अनुमति देता है, उसके लिए यह आसान है। पिछली सरकारें पहले ही कानून पारित कर चुकी हैं और मतदाताओं को कोई आपत्ति नहीं है। इससे बड़ा सवाल उठता है, मतदाताओं को आपत्ति क्यों नहीं है? शायद आप केजरीवाल से पूछकर शुरुआत कर सकते हैं। जब उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन अन्ना हजारे के साथ अग्रणी व्यक्ति के रूप में चलाया तो कथित सरकारी भ्रष्टाचार पर उन्माद पैदा करके उन्हें काफी प्रसिद्धि मिल गई। उन्होंने कहा, यूपीए पूरी तरह से भ्रष्ट है और लोगों को भ्रष्ट राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए नए कानूनों की जरूरत थी। सरकार ने केजरीवाल और उनके साथियों द्वारा तैयार किए गए लोकपाल विधेयक को क्यों नहीं अपनाया? लोगों ने केजरीवाल पर इस हद तक विश्वास किया कि उन्होंने और इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने कमोबेश कांग्रेस को खत्म कर दिया और मोदी के लिए सत्ता पर काबिज होने का रास्ता साफ कर दिया।
ऐसा नहीं है कि केजरीवाल ने खुद इसमें कोई खराब प्रदर्शन किया हो। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के नेता के रूप में जीत हासिल के बाद अन्ना हजारे और उनके इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अधिकांश साथियों को छोड़ दिया। यह पार्टी उनके तथाकथित भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से उभरी थी। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर उनके निरंतर हमलों के साथ साथ आपके सनसनीखेज आरोपों के कारण उन्हें अपनी सीट गंवानी पड़ी और उनकी साख को भी ठेस लगी। केजरीवाल के आरोपों में से बहुत कम, यदि कोई हो, कभी भी प्रमाणित किए गए। मोदी ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार विरोधी कैंपेन का पूरा फायदा उठाया, उनके आरोपों को दोहराया और एक साफ सुथरी सरकार देने का वादा किया। हालांकि एक बार उनके निर्वाचित होने के बाद भाजपा ने इन आरोपों पर कार्रवाई करने के लिए बहुत कुछ नहीं किया और उस युग का सबसे बड़ा घोटाला 2G घोटाला मोदी सरकार द्वारा मामले में एक भी दोष सिद्धि प्राप्त करने में विफल रहने के बाद खत्म हो गया। यहां तक कि केजरीवाल ने भी अपने आरोपों को साबित करने के लिए बहुत कुछ नहीं किया। जब उनका उद्देश्य पूरा हो गया और आपने दिल्ली में जीत हासिल कर ली, लेकिन यह धारणा मजबूत हुई कि सभी राजनेता भ्रष्ट है। अगर नेताओं को बिना किसी अपराध के दोषी ठहराए जेल में डाल दिया जाए तो लोगों को अब कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जनता का मानना है वे इसके लायक हैं क्योंकि सब चोर हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।